मरने से पहले आइंस्टाइन ने कहा था कि उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए ना कि किसी को रिसर्च करने के लिए दिया जाए। तारीख 17 अप्रैल 1955 को अचानक से आइंस्टाइन के धमनियों में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उन्हें डॉक्टरों ने कहा कि केवल सर्जरी ही आपके जीवन को बचा सकती है, लेकिन आइंस्टाइन ने सर्जरी से इनकार कर दिया और कहा कि अब जाने का समय आ गया है। अगले दिन उनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। डॉक्टर थॉमस हार्वे को उनके शरीर की जांच करने के लिए बुलाया गया। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके परिवार की सहमति के बिना ही उनका दिमाग और आंख उनकी शरीर से निकाल लिया। सबसे पहले उसने उनके दिमाग का वजन किया तो पता चला कि दिमाग का वजन 1230 ग्राम है, जो कि आम इंसानों की तुलना में काफी ज्यादा अलग था। अस्पताल वालों के लाख मनाने के बावजूद इसे नहीं लौटाया और एक बॉक्स में दिमाग को रख के लेकर भाग गए। पूरे 20 साल बाद आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट की अनुमति के बाद उन्होंने उस पर अध्ययन करना शुरू किया। जानकर हैरानी होगी कि आइंस्टाइन के दिमाग के 200 टुकड़े कर थॉमस ने उसे अलग अलग वैज्ञानिकों को भेज दिया था। उन्हें इसके लिए अस्पताल से निकाल भी दिया गया था, लेकिन इसी रिसर्च में पता चला कि साधारण लोगों के दिमाग की तुलना में आइंस्टाइन के दिमाग में एक असाधारण सेल संरचना थी। उसने दिमाग को अपने बेसमेंट में 40 साल तक रखा। 40 साल के बाद हार्वे ने दिमाग को वैज्ञानिकों को दिया। आइंस्टाइन के दिमाग के कुल 46 ही टुकड़े हासिल किए गए थे। रिसर्च से पता चलता है कि आइंस्टाइन का दिमाग एक सामान्य व्यक्ति से अलग है। वर्तमान में यह मट्टर संग्रहालय में संरक्षित है।